नमस्कार, मैं हूं नंदन झा और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। और आज पंचायती टाइम्स में बात करेंगे एक ऐसा विवाह जो अप्रैल 2016 में हुआ और आज यानी कि 19 जून 2018 को उनका तलाक हो गया। समझने में देर ना कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राजनीतिक शादी की जो कश्मीर में हुआ था। दर्शक, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की विवाह की, जो विवाह जब से हुआ तब से कई लोगों की आंखों में चुभने लगा। एक ऐसा विवाह जो कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह का भी राजनीतिक गठबंधन कश्मीर में हो सकता है। आप इसको राजनीतिक समझदारी कहें या सरकार बनाने की मजबूरी, दोनों का गठबंधन हुआ और दोनों पहली बार एक ऐसे गठबंधन में आए जिससे सरकार पूर्ण मेजोरिटी में बना। जबकि कश्मीर की जनता ने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को 23% वोट मिले लेकिन सीट महज 25 मिली, वहीं पीडीपी को सिर्फ 22% वोट मिला जबकि सीट उसको 28 मिले। परिणाम और फलस्वरूप पीडीपी का ही सरकार बन सकता था और इस कारण भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के पताके के नीचे, पीडीपी के ध्वज के नीचे जम्मू कश्मीर में पहली बार भगवा ध्वज फहराया और उनकी सरकार बनी। सरकार तो जब से बनी तब से ही दोनों में मतभेद खुल खुल कर सामने आते रहे, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले राम माधव ने बार बार जाकर उसका बीज बचाव करते रहे। आज एक ऐसा दिन आया जब इन दोनों का गठबंधन तलाक के कगार पर आ गया और फाइनली दोनों का गठबंधन तलाक हो गया। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और अभी अभी पीडीपी के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जाकर गवर्नर साहब को अपना इस्तीफा दे दी है। अब नरेंद्र नाथ वोहरा, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, अब वो तय करेंगे कि क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि गवर्नर आगे का राज्य की क्रियाकलाप, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले, या वो महबूबा मुफ्ती को दोबारा से सरकार बनाने का एक चांस दे सकती है। खबर ऐसा भी आया है कि कांग्रेस ने पीडीपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से मना किया है और किसी भी तरह का गठबंधन चुनाव के पहले अभी वो किसी तरह इस तरह के मोल भाव तोड़जोड़ में नहीं जाना चाहता। और इसके कारण ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले राम माधव, जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, एक प्रचारक रहे और प्रचारक जीवन से उनको सीधा बीजेपी में लेके जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर पर विशेष रुचि रखने वाले राम माधव जी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर की बातों को बताते हुए 3 साल का भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन का एक्सपीरियंस बताते हुए उन्होंने बहुत ही सावधानी बरती एक दूसरों की बात करने में, लेकिन इशारों में उन्होंने कुछ बातें बहुत साफ कर दी। वो बातें ये थे कि कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार फिर से सौतेला व्यवहार कर रहा है जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ। कभी भी लद्दाख एक बहुत बड़ा भूभाग है जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है और हमेशा से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से दूर धकेला जाता है। जितना भी जम्मू कश्मीर की सरकार में जो ताकतवर लोग हैं वो केवल कश्मीर के हैं, उसमें जम्मू के लोगों को प्रतिनिधि नहीं दिया जाता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता। सरकार अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, पूरा का पूरा जम्मू एक साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था 2014 में, अब फिर से
भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो इस सरकार में रह के, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में भीतर में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि चूंकि चुनाव नज़दीक है, अगर वो अब भी जम्मू को और लद्दाख को उसका हक इस सरकार में नहीं दिला पाते तो बेहतर होगा सरकार से दूरी बना ली जाए। अब बाकी का बात क्या है वो कुछ ही दिन में आपके और हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तब तक हम भी इस पर अपनी पैनी नज़र रखेंगे कि आखिर ये गठबंधन जो टूटा ये किस दिशा में जा रहा है, और अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट जीतने का जो नंबर्स थे, जो एक बार 21 में पहुंच गए थे, 22 में पहुंच गए थे, वो नंबर अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, 20 से अब 19 हो गया। ये पहली बार अब भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है 19 राज्य में सिर्फ रह गया है। ये सोचने की घड़ी है, ये एक बेल की घड़ी है। शायद हो सकता है बीजेपी के आला कमान इस बात को 2019 के लिए शुभ देख के ही तोड़े हों, लेकिन आम जनमानस यही सोच रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य की गिनती और कम हो गई। खैर, अलग अलग आज के बाद हर एक चुनावी पंडित, अलग अलग मीडिया के एक्सपर्ट्स अपने तरह से इस अनुमान को लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी को टूटना एक दिन जरूरी था, क्योंकि ये शादी एक विपरीत विचारधारा के लोग आपस में जुड़ के बनाए थे जम्मू कश्मीर के हित के लिए। लेकिन जब वो हित की पूर्ति ही नहीं हो रही थी तो दोनों का गठबंधन टूटना लगभग तय था, और वो आज टूट गया। खैर, आज लेता हूँ विदा। आप और हम दोनों इसका विश्लेषण करें और जल्द ही आपसे इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।